प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को इंदौर के युवाओं ने भी मन लगाकर सुना। प्रधानमंत्री को सुनने के बाद युवाओं ने कहा कि हर महीने प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का इंतजार उन्हें रहता है और इस बार की पीएम की मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद क्या कुछ कहना था इंदौर के लोगों का, खास तौर से युवा साथियों का, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आज की मन की बात आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके से उल्लेख करते हैं, हम कहते हैं ना, इस पूरे मन की बात का जो जील है वो यही है कि प्रधानमंत्री समाज के हर उन लोगों का उल्लेख करते हैं। और आज तो पद्म पुरस्कारों की बात भी प्रधानमंत्री ने की, जिस तरीके से पीपल सेंट्रिक ये पूरा पद्म पुरस्कार हो चुके हैं और साथ साथ युवा फोकस्ड में थे, महिला फोकस में थे, यानी कि जो चार जातियों का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं ना, उनमें युवा और महिला भी आते हैं प्रधानमंत्री के लिहाज से। लिहाजा वैसे ही कुछ युवा हमारे बीच हैं जो सेना भर्ती की ट्रेनिंग लेते ले रहे हैं और सेना में जाने के सपने देख रहे हैं, वो कितने उत्साहित रहे और क्या लगा उनको प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने को लेकर के बाद, ये बताइए कैसा लगा आज प्रधानमंत्री की मन की बात का। और आप तो सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण बात जो आज 26 जनवरी का जो पूरा दस्ता निकला उसमें महिलाओं की जो पावर देखने को मिली उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। हाँ, ये देख के बहुत अच्छा लगा वैसे तो। और हम लोग जैसे कि डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग को जैसे कि लाइव आने का मौका मिला, तो मतलब ये हम सबके लिए एक बहुत मतलब बड़ी बात थी। और जैसे उसमें फीमेल्स के बारे में बताया तो उसको देख के हम जितनी भी फीमेल्स जो कैंडिडेट्स जो भी प्रैक्टिस मतलब तैयारी कर रही है उनको मतलब बहुत अच्छा लगा, मोटिवेट हुए सब कि हाँ हम भी कर सकते हैं। कैसा लगा आज मन की बात? बहुत अच्छा लगा। वोटर्स को लेकर प्रधानमंत्री ने आज कहा कि कई लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे, अपने वोटर आईडी कार्ड्स बनवा लें और लोकतंत्र में एक वोटर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जी, सर, नरेंद्र मोदी ने ऐसे वोटर्स के बारे में बताया कि वोटर्स को जागरूक होना चाहिए और वोटर डालना चाहिए, क्योंकि वोट वो डालेंगे तभी तो सही एक सरकार उन्हें मिल पाएगी और देश को बहुत सहायता मिलेगी, देश को आगे अच्छा वो बनाने में और बड़ा देश को अच्छे से चलाने। ये बताइए, इंतजार था इस बार की मन की बात का भी? जी सर, क्योंकि मैं पिछली बार भी लाइव देखा था तो इस बार भी काफ़ी उत्सुकता थी मन में और ये जानने को बड़ी खुशी हुई संघर्ष कैसे किया, जो रत्न अवार्डेड लोगों के बारे में संपूर्ण उनका जीवन जैसे व्यतीत हुआ उससे हमें काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें सीखने को मिली है। अच्छा। जी सर, पद्म पुरस्कारों की बात आज प्रधानमंत्री ने की है और किस तरीके से पीपल सेंट्रिक पूरे पद्म पुरस्कार हो चुके हैं, हर व्यक्ति हर लोग अपने अपने क्षेत्र के महारत हासिल किए हुए लोग हैं, किस तरीके से ये मन की बात में उनका जिक्र होना आपको लगता है कि महत्वपूर्ण होता है? देखिए, मन की बात में प्रधानमंत्री ने जिन रियल लाइफ हीरो का वर्णन किया है, हम लोग देखते थे हमारे आसपास में लोग भी रहते थे लेकिन हमें पता नहीं होता है, लेकिन वो लोग हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा के लगा दिया है। प्रधानमंत्री ने उन सबका उल्लेख किया है, मुझे लगता है इससे करोड़ों करोड़ लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी और प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है, जो विचार हैं, वो देश के लिए आगे बढ़ाने में और सहयोगी होंगे। क्या लगता है सर, किस तरीके से लोकप्रिय होता जा रहा है मन की बात कार्यक्रम? देखिए, मन की बात का इंतजार सभी को होता है, हम भी इंतजार करते हैं और आज का तो हम देख रहे हैं कि ये एक जनव्यापी आंदोलन बन चुका है और मोदी जी के हर पहलू को छूना ये कहीं ना कहीं प्रेरणा का एक विषय है और उससे लोग प्रेरित हो रहे हैं और इसी कारण से उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जैसा अभी बताया कि करोड़ों करोड़ों लोग रोज़ हर रविवार को इंतजार करते हैं और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि हर एपिसोड में एक नवीनता होती है, एक नई जो सोच है मोदी जी की वो सबके सामने आती है और हर व्यक्ति उससे प्रेरणा प्राप्त करता है। कुछ और युवा है, आइए उनसे भी बात करते हैं, क्या अच्छा लगा आज, क्या बातें महत्वपूर्ण रही प्रधानमंत्री की? हमने देखा कि हर जगह से हर स्टेट से जो लोग अपनी सेक्रीफाइस करके वो अपना वो बता रहे थे जीवन कैसे उन्हें करे और फीमेल्स को हमने कितना आगे अवेयर करे और फीमेल्स को देख के हमें भी अवेयरनेस आ रही है हम पे भी और जिस तरह से हमने झांकियां देखी हर स्टेट के अपने कल्चर उन्हें शो करे उस अपने परेड में। परीक्षा पे चर्चा की भी बात प्रधानमंत्री ने आखिरी में कही कि कल वो एक बार फिर परीक्षा पे चर्चा करने जा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण प्रोग्राम होता है वो और मन की बात में ऐसा जिक्र करना क्या उत्साह बढ़ता है छात्र होने के नाते? उत्साह बढ़ता है और मोदी जी से पहली बार बात चली है लाइफ में, मतलब ये गर्व की बात है। हम डिफेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी को
जेईई नीट चलती है, मतलब ये बहुत सौभाग्यशाली कि हम देश के लिए काम करेंगे, मतलब पेपर निकलेगा देश के लिए काम करेंगे। और मोदी जी से आज बात हुई और आगे चल के वो पढ़ाई की बात करेंगे, कल के लिए तो पेपर की बात होगी, मतलब पढ़ाई का जो अपना स्ट्रेस रहता वो कम करेंगे, उनने अभी बात करी अपन से। तो ये वो युवा हैं श्रेयश जो काफी उत्साहित थे मन की बात शुरू होने के पहले से ही, और अब जब प्रधानमंत्री चूंकि जब बात करते हैं तो सीधे मन से जुड़ते हैं, और जब मन से जुड़ते हैं और ऐसे युवाओं के साथ जब जुड़ते हैं तो वाकई ये देश का भविष्य है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिन पहलुओं को छुआ, महिला दस्ता की बात की जो 26 जनवरी पर जैसे कहीं कर्तव्य पथ पर मार्च पास करता हुआ दिखाई दे रहा था, या परीक्षा पे चर्चा, ये डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे और ये समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण वो कार्यक्रम होता है जो अब प्रधानमंत्री आगामी दिन में करने वाले हैं, और उसका जिक्र चूंकि ये कहें कि एक निमंत्रण जो है एक बार फिर मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने दे दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए महिला युवा और वो उन लोगों पर ये पूरा सेंट्रिक रहा मन की बात जो अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं।